खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से है, जहां भाटपार रानी तहसील से एक घूस लेने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक तरफ प्रदेश व केंद्र सरकार भ्रष्टाचार व घुसखोरी पर रोक लगाने का कार्य कर रही है, ऐसे में एक कानूनगो जो कि भाटपार रानी तहसील में कार्यरत है, घूस लेते हुए वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए कानूनगो को निलंबित कर दिया और उक्त मामले में एसडीएम भाटपार रानी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। भाटपार रानी में राजस्व निरीक्षक पद पर तैनात देवेंद्र उपाध्याय का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर रविवार की शाम वायरल होने लगा। जानकारी होते ही राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी अमित किशोर ने राजस्व कानूनगो देवेंद्र उपाध्याय को वायरल वीडियो के आधार पर निलंबित कर दिया। कुछ दिन पूर्व किसी मामले में रिश्वत लेने का वीडियो किसी व्यक्ति ने बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिलाधिकारी अमित किशोर ने बताया कि शिकायत मिलने पर तत्काल प्रभाव से आरोपी राजस्व निरीक्षक देवेंद्र उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है। देवरिया जनपद से समय उल्लाह अंसारी की रिपोर्ट। Thank you.